कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस रख के उसकी फोटो खींच ली और फोटो खींच के मोबाइल पे फिर आप दिखा रहे हो, ये मान्य नहीं है। वैसे ही आपकी गाड़ी की हेल्थ का क्या, मतलब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हो गए। दोस्तों, आज आप रोड पे निकल के देखो, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, लगातार तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप में से भी बहुत सारे लोग टू व्हीलर चला रहे होंगे और जिनका सपना होगा कि आगे वो फोर व्हीलर ले, या फिर आप उनमें से एक होंगे जिनके पास टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों ही होंगे। दरअसल आज का वीडियो किसी छात्र के लिए नहीं है, आज का वीडियो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो कि रोड पे अपना वाहन लेकर चल रहा है, क्योंकि कुछ नियमों के पता ना होने की वजह से हम कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं। ट्रैफिक रूल्स की तो बात एक अलग है, कुछ और भी ऐसे नियम है जिनकी वजह से हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें चालान भरना भी चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इवन हमें यह तक नहीं पता होता है कि कौन हमसे कितना चालान वसूल सकता है, क्योंकि हमने कानून की वो किताब ही नहीं पढ़ी है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन वो जो सामने खड़ा अधिकारी है या फिर सामने खड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो कि यूनिफॉर्म में है, जिसका ये काम है, वो बखूबी इन सारी चीजों को जानता है और आप नहीं जानते। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके साथ गलत भी हो जाता है लेकिन आपको पता ही नहीं लगता है। तो ये जो वीडियो है सिर्फ अवेयर करने के लिए है हर एक उस व्यक्ति को जो कि रोड पे अपना वाहन लेकर चल रहा है। ए टू जेड सारी बातों को बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा और इसके बाद आप कभी भी इन सारी चीजों में से किसी का भी शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठता है कि आपको रोड पे चलते समय कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको सिर्फ चार डॉक्यूमेंट ही रिक्वायरमेंट है। आपको ध्यान कैसे रखना है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट और अपनी हेल्थ का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अपना डॉक्यूमेंट का मतलब जिसको आप डीएल बोलते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका डॉक्यूमेंट हुआ। और दूसरा आपकी हेल्थ का मतलब इंश्योरेंस आप लेकर चलोगे। अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो भाई गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए ना। तो गाड़ी चलाने का आपका डॉक्यूमेंट और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, ये दो चीजें। अब दूसरी चीज, आपको गाड़ी के भी दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए। अब गाड़ी के डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट डीएल है, वैसे ही ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी गाड़ी का लेखा जोखा हो, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी बोलते हो। और साथ में जैसे कि आपका हेल्थ का सर्टिफिकेट इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, वैसे ही आपकी गाड़ी की हेल्थ का क्या, मतलब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। क्या मैंने बोला आपको, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। अगर ये चार डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप ये समझ लो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, इससे पांचवा आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात पर आ जाते हैं, हमें यह नहीं पता होता है कि चालान कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, चालान तीन प्रकार के होते हैं। पहला चालान जो कि ऑन द स्पॉट चालान कहलाता है। ऑन द स्पॉट का मतलब यह होता है, जैसे आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा नहीं, अभी लाल बत्ती हो रखी थी और आपने अपनी गाड़ी बढ़ा दी। जैसे ही आपने अपनी गाड़ी बढ़ाई, चौराहे तक आगे ही जा पाए थे, आपको आगे जाकर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। अब इस केस में वो आपका ऑन द स्पॉट चालान कर देंगे। सो इस तरीके के चालान ऑन द स्पॉट चालान कहलाते हैं। अब दूसरे होते हैं नोटिस चालान। नोटिस चालान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप हाईवे में गाड़ी दौड़ा रहे हो, अब उस हाईवे में कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड सेंसर्स लगे हुए हैं और उस हाईवे में लिमिट है मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की और आपकी गाड़ी भाग रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। अब ऐसे में तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, हाईवे में हर जगह पर पुलिस भी नहीं होती है। तो इस केस में क्या होता है, वो जो कैमरा सेंसर होते हैं वो आपकी गाड़ी को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नोटिस बनाकर ये नोटिस आपके घर पर और आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। इनको बोलते हैं नोटिस चालान, जहां पर पुलिस ऑन द स्पॉट आपका चालान नहीं कर पाती, वहां पर नोटिस चालान काम में आता है। अब तीसरे होते हैं चालान ऑफ द कोर्ट। चालान ऑफ द कोर्ट का मतलब यह है कि चालान तो होगा लेकिन उसे आपको कोर्ट से जाकर छुड़वाना पड़ेगा, उसे आप ऑन द स्पॉट नहीं भर सकते हो। उसमें जितना भी फाइन है वो आपको कोर्ट में जाके भरना होगा और वहीं से आपके डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। ये थोड़े से बड़े अपराध होते हैं उनमें हो जाता है ऐसा। जैसे मान लीजिए कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पाए गए, तो इस केस में कोर्ट का चालान आपका बन सकता है। वैसे ऑफिसर चाहे, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर चाहे, तो वहीं पर आपका ऑन द स्पॉट चालान भी कर सकता है, आप तुरंत भी उसे भर सकते हो। लेकिन अगर वो चाहे तो आपको कोर्ट का चालान भी दे सकता है। अगर वो चाहता है कि उस टाइम पर वो आपसे नहीं वसूलना चाहता, या मान लो कि उसके पास रिसीट है केवल, उसके पास कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन नहीं है, तो वो आपसे ले नहीं सकता ना चालान। जाहिर सी बात है वो कैश में तो लेगा नहीं, ठीक है, केवल उसके पास रिसीट है। तो रिसीट भी दो तरीके की होती है, एक तो या तो आप पकड़ा दो
और डॉक्यूमेंट जमा कर लो, और एक होती है जिससे आप भुगतान करवा लो। अगर उसके पास भुगतान वाली रिसीट नहीं है तो वो आपको चालान काट के चालान की रिसीट दे देगा, उसमें लिखा होगा कि आपका डीएल जमा कर लिया गया है, अब आप कोर्ट में जाइए वहां पर पैसा जाकर जमा करिए और दूसरे हाथ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लीजिए। ये तीन तरीके के चालान होते हैं। जब भी आप रोड पर निकलते हो तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के राइट्स आपको पहली चीज तो पता होने चाहिए। क्या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स आपको रोक सकते हैं या कोई भी ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल है वो आपको रोक सकता है? जी हां, रोक सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है, कई बार मुझसे पूछते हो आप लोग कि सर क्या बिना किसी रीजन के ट्रैफिक पुलिस हमें रोक सकती है? आंसर है हां, रोक सकती है, उनके पास ये अधिकार है। अगर आपका गाड़ी चलाना उन्हें सस्पिशियस लग रहा है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में आप लिप्त पाए जा रहे हो जो कि नहीं होनी चाहिए, या फिर उन्हें ऐसा दिख रहा है कि आपने अल्कोहल ले रखा है या कोई ड्रग ले रखा है, तो ऐसे में अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है, कुछ भी संदिग्ध लग रहा है, तो वो आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं। इसके अलावा उनके अधिकार क्या है, वो आपसे डॉक्यूमेंट के लिए पूछ सकते हैं, जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, वो आपसे पूछ सकते हैं आरसी दिखाओ, वो आपसे पूछ सकते हैं क्या पॉल्यूशन दिखाओ, ऐसा वो पूछ सकते हैं क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने आपको चार डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, इन चार में से तीन ही आपसे पूछ सकते हैं। ये आपसे डीएल के लिए पूछ सकते हैं, ये आपसे आरसी के लिए पूछ सकते हैं, और ये आपसे किसके लिए पूछ सकते हैं? इंश्योरेंस के लिए पूछ सकते हैं। ये आपसे किसके लिए नहीं पूछ सकते? पॉल्यूशन के लिए। ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये जरूर हुआ होगा, जब आप रोड पे हैं तो आपसे ट्रैफिक पुलिस ने ही पॉल्यूशन के लिए पूछ दिया और आप फंस गए। आपको ये पता होना चाहिए, सेक्शन 132 के अंतर्गत, ट्रैफिक पुलिस रूल के अंतर्गत, पॉल्यूशन केवल ये तभी आपसे पूछ सकते हैं जब आरटीओ अधिकारी भी साथ में होगा। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस आपसे पॉल्यूशन के लिए नहीं पूछ सकती है, या फिर आप उन्हें दिखाने के लिए विलिंग नहीं हो तो आप उन्हें मत दिखाइए। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। इसके अलावा ये तो बात हो गई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के राइट की, अब बात कर लेते हैं आपके कौन कौन से अधिकार हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि आप आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो कि किस लिए आपको रोका गया। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपकी गाड़ी रोकी जाए आप गाड़ी से बाहर ना उतरें, ये आपका पूरा पूरा अधिकार है। कोई भी आपको फोर्सफुली आपकी गाड़ी के बाहर नहीं उतार सकता। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत दिखाइए। तीसरी चीज, रिसिप्ट अगेंस्ट द ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने कुछ ऐसा अपराध किया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किया है, ओवर स्पीड थे आप, इस तरीके का कोई भी अपराध हुआ है, तो उस केस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और आपको चालान बनाकर दिया जाएगा। लेकिन चालान की रसीद लेना ना भूलें। उस चालान में प्रॉपर ये लिखा होना चाहिए कि उन्होंने आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लिया है, डीएल लिया है कि नहीं लिया है। पता लगा आगे जाके आप कोर्ट में उसे छुड़वाने जा रहे हो और उस रिसीट में डीएल का नामो निशान ही नहीं है, फिर तो आप चक्कर लगाते फिरोगे, आपको पता ही नहीं है कि आपका डीएल कहां गया। टो द कार विद अ पर्सन इनसाइड। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि सर हमारी गाड़ी क्या उठाई जा सकती है जबकि हमारी गाड़ी के साथ कोई है। हमेशा ध्यान रखिए, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि रोड के किनारे कोई गाड़ी खड़ी करके गया था, आड़ी तिरछी एक गाड़ी आई और वो उसको उठाकर टो करके ले गई। ऐसा तब होता है जब गाड़ी में कोई व्यक्ति ना हो। हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ऐसा हो जाता है भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में कि आप जब जाते हो तो आपको पार्किंग नहीं मिलती, तो अगर आपके साथ कोई और व्यक्ति है तो कोशिश करिए कि उस व्यक्ति को गाड़ी में ही बैठा रहने दीजिए। यह रूल है सेक्शन 130 के अंतर्गत, जब तक एक भी व्यक्ति गाड़ी के अंदर होगा तब तक आपकी गाड़ी टो नहीं करी जा सकती है। यह चीज ध्यान रखिए, चाहे आपकी गाड़ी थोड़ा सा पार्किंग लॉट के बाहर ही क्यों ना हो। तो हमेशा इस चीज से बचने के लिए एक व्यक्ति जो आपके साथ है, ऐसा कभी भी मत करिए कि दोनों लोग गाड़ी में लॉक लगा के निकल गए। एक व्यक्ति को जब तक आप आ नहीं जाते अपना काम पूरा करके, तब तक आप एक व्यक्ति को गाड़ी में ही बैठा रहने दीजिए। चालान बुक और ई चालान जनरेटर। कहने का मतलब यह है कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक होनी चाहिए या फिर ई चालान जनरेटर होना चाहिए, उसके पास दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? वो या तो आपको हार्ड कॉपी में भी चालान आपका बना के दे सकते हैं, या फिर उनके पास एक मशीन होगी उससे भी वो चालान बनाकर दे सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, उसमें दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। ऑन द स्पॉट फाइन एंड पेमेंट। क्या ऑन द स्पॉट फाइन और पेमेंट आपसे लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन एक रूल है इसमें बहुत बड़ा, ध्यान रखना है ये आपको कि आपसे फाइन कौन ले सकता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कांस्टेबल है कोई भी सितारा नहीं है, ठीक है, और साइड में एक स्ट्रेप है ऐसे करके, तो वो कांस्टेबल है
वो आपसे कोई भी चालान नहीं ले सकता है। अब आप कहोगे सर अगर मैं ओवर स्पीड पाया गया तब भी? जी हां तब भी, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल रूल तोड़ते हुए पाए गए तब भी। वो केवल आपसे डॉक्यूमेंट के लिए पूछ सकता है, लेकिन वो आपसे ऑन द स्पॉट फाइन और पेमेंट नहीं करा सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इसके ऊपर हेड कांस्टेबल अगर है, वो हेड कांस्टेबल का मतलब तीन बद्दी होंगी, यहां पर तीन फीते लगे होंगे, उसको अधिकार है, वो केवल 100 रुपए तक का फाइन आपसे वसूल सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं वसूल सकता है। और 100 रुपए के ऊपर अगर फाइन वसूलना है, ध्यान रखिएगा ये भी जो 100 रुपए का फाइन है ये भी कैश में भुगतान नहीं, रसीद वाला कर सकता है, कैश का तो ले ही नहीं सकते ये फाइन। इसके अलावा अगर इससे ऊपर ASI होगा, ASI मतलब 1 स्टार हो गया, या फिर SI होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, मतलब 2 स्टार, ASI और SI ये आपसे ऑन द पेमेंट स्पॉट में चालान भुगतान करवा सकते हैं। मतलब कभी भी आपसे आपकी गाड़ी रोककर आपका चालान बनाया जा रहा है और बोला जा रहा है आप अभी चालान भरिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अधिकारी का होना जरूरी है, भले ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो या सब इंस्पेक्टर हो, इन दोनों में से किसी की मौजूदगी होनी चाहिए, तभी आप ऑन द स्पॉट चालान भरिए, अदरवाइज आप उनसे रसीद लेकर चलते बनिए, इससे ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना है, आपने कई बार देखा होगा ट्रैफिक पुलिस में कुछ लोग खाकी वर्दी में खड़े होते हैं और कुछ लोग व्हाइट वर्दी में खड़े होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो व्हाइट यूनिफॉर्म है ये कांस्टेबल पहनते हैं, हेड कांस्टेबल पहनते हैं, ASI पहनते हैं और SI पहनते हैं। SI तक के जितने भी लोग हैं वो सबको व्हाइट यूनिफॉर्म दी जाती है, SI के बाद इंस्पेक्टर जो होते हैं वो खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो कभी कंफ्यूज मत होना, आपको हमेशा ये देखना होगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि खाकी यूनिफॉर्म जो पहने हो, कई बार तो आप लोगों को लगता है कि खाकी यूनिफॉर्म जो पहने जो आपको रोक रहा है वो पुलिस वाला है, वो पुलिस नहीं है, वो ट्रैफिक पुलिस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन वो इंस्पेक्टर होगा, उसके 3 स्टार लगे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि कई लोगों को पता ही नहीं होती है भाई मेरे, क्या पुलिस आपको रोक सकती है ट्रैफिक नॉर्म्स का वायलेशन करने के लिए? ट्रैफिक पुलिस तो है ही उसी काम के लिए, क्या पुलिस आपको रोक सकती है? ध्यान रखिए पुलिस आपको रोक सकती है, लेकिन आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए पूछ सकती है? पुलिस आपसे इन 4 डॉक्यूमेंट DL RC इंश्योरेंस और पॉल्यूशन में से सिर्फ एक चीज के लिए पूछ सकती है और वो है DL ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अगर पुलिस आपसे पूछती है इंश्योरेंस के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में या RC के बारे में, आप मना कर सकते हो, आपकी इच्छा हो आप दिखा दो, नहीं तो आप मना कर सकते हो। पुलिस का अधिकार नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कुछ भी चेक करने का, सेक्शन 130 ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत। अब एक बहुत बड़े क्वेश्चन है ये अपने आप में जो कि हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं, कैन ट्रैफिक पुलिस स्टॉप यू फॉर नो रीजन इन इंडिया? जिसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस बिना रीजन के भी अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध लग रहा है तो वो आपको रोक सकते हैं। कैन ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर टेक योर कार की अवे? हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कोई आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकता है? बिग नो, कोई भी, ये अधिकार किसी के पास नहीं है, किसी भी रूल्स के तहत आपकी गाड़ी की चाबी कभी नहीं वो निकाल सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, आपने किसी ट्रैफिक रूल्स के नॉर्म्स का वायलेशन किया है, वो आपको गाड़ी से उतरने को भी अगर कह रहे हैं तो आप उसके लिए मना कर सकते हो। आपको गाड़ी से उतरना ऐसा कुछ भी अनिवार्य नहीं है, आप गाड़ी के ही अंदर रहें, आप जेन्युइनली शीशा नीचे कर लें, अच्छे से बात करें, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए ट्रैफिक पुलिस वो भी इंसान ही है, आप कभी भी रुके, आपको रोका जाए तो आप रुकिए, उन्हें भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, आप उन्हें रिस्पेक्ट से बात करें, शीशा नीचे करें, अच्छे से वो जो पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए। वो भी दिन रात धूप बारिश हर एक में ड्यूटी कर रहे हैं और आपके लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप सोचिए एक दिन वो ठीक से ड्यूटी ना करें तो चक्का जाम हो जाता है रोडों पर, इतना जाम लग जाता है, तो उनकी भी आप रिस्पेक्ट करिए, लेकिन हाँ इन सारी चीजों से अवेयर भी रहिए। वो आपकी गाड़ी की कहीं पर भी नहीं ले जा सकते, ना ही आपको फोर्स कर सकते हैं गाड़ी से उतरने को। बड़ा एक कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है, सर क्या मोबाइल पे ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो लेकर चल रहे हैं, इंश्योरेंस की फोटो लेकर चल रहे हैं, पॉल्यूशन की फोटो लेकर चल रहे हैं, क्या ये वैलिड है? आंसर है नहीं, ये वैलिड नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, कई लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आ चुकी है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली दिखा सकते हो। देखिए इलेक्ट्रॉनिकली दिखाने का मतलब यह है, पर्यटन मंत्रालय ने साल 2018 के दिसंबर के महीने में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सभी को यह आदेश दिया था कि वो इलेक्ट्रॉनिकली हर एक डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और वो मान्य होगा, मतलब वो माना जाएगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब यह है, भारत सरकार का एक एप्लीकेशन है डिजी लॉकर,
आप इस डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करें और इसमें अपने डॉक्यूमेंट रखें और तब दिखाएं, तब यह माना जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाके अपना डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करें, तब वो माना जाएगा। इन दो तरीके से माना जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस रख के उसकी फोटो खींच ली और फोटो खींच के मोबाइल पर फिर आप दिखा रहे हो, यह मान्य नहीं है। आपका चालान इसमें भी हो सकता है, आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। आखिर में दो बड़ी एडवाइस और मेरी तरफ से। पहली चीज ये कि अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस बिना यूनिफॉर्म के आपका चालान करने की कोशिश कर रहा है तो यह उसका अधिकार नहीं है, आप इसके लिए साफ तौर पर मना कर दीजिए। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, यूनिफॉर्म के साथ ही वो चालान काट सकता है। और एक लास्ट थिंग ये कि जो सिख कम्युनिटी है उसको ये छूट है क्योंकि वो पगड़ी बांध रहे हैं, तो इस वजह से वो बिना हेलमेट के चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे लोग जिनका गर्दन के ऊपर कहीं पर भी सर्जरी हुई है, कट के थ्रू कहीं पर भी सूचे लगाए गए हैं, तो इस केस में आप हेलमेट नहीं लगा सकते हो, आपको इससे निजात दिया जाएगा, आपका चालान नहीं काटा जाएगा। कारगिल विजय दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आज फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है हर एक कोर्स पर, आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो। आज 26 जुलाई से फ्रेश बैच भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस बैच को अवेल करने के लिए सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली एग्जाम इंजन का कोई भी बैच अवेल कर सकते हो। 50% डिस्काउंट सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए ही है। कारगिल विजय दिवस की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार आज जरूर याद करें उन सभी भारत मां के सपूतों को जिन्होंने एक बार भी ना सोचते हुए इस देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उन लोगों को जरूर शेयर करिए जिनको इसके बारे में नहीं पता था, और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।